हेलो एवरीवन, आज हम बेटा अपना नेक्स्ट इशू करेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की डिटेल हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। एनिमल टिश्यू जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यू की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड होता है बेटा फोर टाइप्स में। नंबर वन एपिथेलियल टिश्यू, नंबर टू मस्कुलर टिश्यू, नंबर थ्री कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर फोर नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप्स: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। ओके, एंड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में बेटा हम थ्री टाइप्स की मसल्स के बारे में पढ़ेंगे: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल्स। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हम जो पढ़ने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम एल्वियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। डेंस रेगुलर टिश्यू, जिसमें हम टेंडन लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। फ्लूइड, हमारी बॉडी में दो फ्लूइड होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम ये पढ़ने वाले हैं। देन नर्वस टिश्यू। तो इस वीडियो में बेटा हम जो टॉपिक कवर करेंगे, जो टिश्यू का टाइप हम करने वाले हैं, इट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप जो था एनिमल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू बेटा, ये आउटर मोस्ट टिश्यू होता है। इसीलिए अपने फंक्शन में क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो इनकी जो सेल्स होती है, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स टाइटली पैक्ड होती है आपस में। हम जितने भी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे टिश्यू की जो सेल्स हैं सारी आपस में टाइटली पैक्ड है एंड फॉर्म अ शीट, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स हैं बेटा, उन टाइप्स में हम पढ़ेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्रेंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बेटा, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं सेल्स, टिश्यू सेल्स से बना हुआ होता है। तो इसको बनाने वाली सेल्स थिन होंगी, फ्लैट एंड इरेगुलर शेप की होंगी और एक दूसरे के साथ इस तरह से पैक्ड होंगी जैसे फ्लोर जो के अंदर टाइल्स फिट होती हैं, इस तरह से। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इनकी जो वॉल होती है ये थिन सेल वॉल होती है। अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है और नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, और ये इस तरह से एक दूसरे के अंदर फिट होती है। जैसे यहाँ पर फिर से एक और, अगर हम ऐसे लेयर्स में ये प्रेजेंट होती है तो सिंगल लेयर में भी हो सकती है और मोर देन सिंगल लेयर में भी ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब भी प्रेजेंट होंगी टाइटली पैक्ड होंगी, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया है टाइटली पैक्ड सेल्स होंगी। तो हम इन्हीं की टाइप्स कर रहे हैं, तो टाइप्स में भी जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगी। और ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, माउथ में, नोज में, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ अवर लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल पार्ट्स को हमारी, क्योंकि ये आउटर मोस्ट पार्ट है, प्रोटेक्टिव पार्ट है। तो ये क्या करेगा, जो अंदर अंडरलाइन पार्ट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। इससे इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, केमिकल्स एंड ड्राइंग, सूखने से भी बचाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू में जो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनकी सेल्स कैसी होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। ये क्यूब लाइक सेल्स का स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। ये भी क्या है, टाइटली पैक्ड है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम जैसे है ऊपर, वैसे ही इसमें भी होता है। ये टिश्यू पाया जाता है बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन इज ऑल्सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दीज आर दी सेल्स ऑफ किडनी, इनकी लाइनिंग में मिलता है ये। और इसके अलावा स्किन, कैपिलरीज के अंदर भी ये टिश्यू पाया जाता है। इसके बाद बेटा फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। ये टिश्यू एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस को, एक्सक्रीट करता है अगर कोई चीज़ वेस्ट है, सिक्रीट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये हो गया बेटा क्यूबॉइडल टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, डेट इज कोलमनर टिश्यू। इनकी जो सेल्स होती है बेटा पिलर लाइक सेल्स होती है। पिलर लाइक सेल्स मतलब इलोंगेटेड, लेंथ वाइज बड़ी होंगी ये, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। एज कम्पेयर टू लास्ट टिश्यू, ये जो टिश्यू की सेल्स हैं ये पिलर लाइक सेल्स हैं। और दूसरा, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है बेटा ये बेसमेंट नीचे की तरफ प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब जैसे वैसे तो राउंडेड होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, लेकिन पिलर लाइक सेल्स होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेटेड होगा, ठीक है, और नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ये। ओके, और ये टिश्यू पाया जाता है लाइनिंग ऑफ स्टमक में,
स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड ओविडक्ट में. ओविडक्ट क्या होता है? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज फेलोपियन ट्यूब. देन इसके बाद फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ये सब्सटेंस को एब्जॉर्ब भी करता है एंड सिक्रीट भी करता है. देन इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, डेट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में जो हमने पहले क्यूबॉइडल और कोलमनार टिश्यू पढ़ा है, उन टिश्यू की सेल्स के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होता है जिसको बोलते हैं सीलिया. जैसे ये डायग्राम है कोलमनार का, कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर जिसके अंदर तो कोलमनार सेल्स कुछ तो ऐसी होती हैं और कुछ पार्ट्स के अंदर कोलमनार सेल्स के ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीलिया दिखाई देते हैं. ये सीलिया प्रेजेंट होती है बेटा इन सेल्स के ऊपर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये. और ये पाए जाते हैं बेटा हमारी जो विंड पाइप होती है, ट्रैकिया, किडनी ट्यूब्यूल्स, और आप इसमें बता सकते हो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी पाए जाते हैं. तो ये पाए जाएंगे सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू, ठीक है, और क्यूबॉइडल टिश्यू. पीछे जो मैंने बताया था क्यूबॉइडल टिश्यू के ऊपर भी जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने पीछे आपको बताया था, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर भी जब सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम बना देते हैं. तो जब क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम बोले जाते हैं. तो ये टिश्यू हेल्प करता है बेटा मूवमेंट में, क्योंकि ये सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. इसके बाद बेटा आता है हमारे पास एक जो और टिश्यू हमारे पास जो हम पास यहाँ बचा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ये नाम से ही है बेटा. ये टिश्यू बेटा ज़्यादातर हमारी ग्लैंड्स में होता है, ठीक है. इसका मेन काम होता है सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स. यहाँ पर बेटा एपिथेलियल टिश्यू हमारा जो टिश्यू के टाइप्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं. अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन. वैसे तो हमने जो डिफरेंट टाइप्स से उनके फंक्शंस तो पढ़ लिए थे, अब वो कंबाइंड फंक्शन अगर हम कर दें तो वो एक कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हो जाएंगे. जैसे हमने पढ़ा था पीछे टाइप्स में, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द केमिकल्स, इंजरी और एंट्री ऑफ जर्म्स. क्योंकि ये आउटर मोस्ट टिश्यू होता है बेटा, तो ये अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी जर्म्स की एंट्री से, केमिकल से या इंजरी से. दूसरा ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब इसी टिश्यू की हेल्प से होते हैं. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल. जो भी हमारा वेस्ट होता है बेटा वो भी इसी टिश्यू के थ्रू बाहर आता है. डू सिक्रेटरी फंक्शन, सिक्रीट करता है ये स्वैट, सलाइवा, एंजाइम्स. जैसे हमने पढ़े थे ग्लैंड्स होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं और कुछ हॉर्मोन सिक्रीट करती हैं. तो ये सिक्रेटरी होती है फंक्शंस में, तो इस टिश्यू के ये फंक्शन होंगे. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप्स एंड उसके फंक्शंस कंप्लीट हो जाता है.